नमस्कार, आप देख रहे हैं देश का सबसे दमदार बुलेटिन राष्ट्रवाद। आपके साथ मैं हूं सरफराज सैफी। पिछले कई दिनों से लगातार देश में कोरोना जैसी महामारी ने हम सबको परेशान कर रखा है। हम सब इस वक्त बेहद गुस्से में हैं और खासतौर से वो परिवार जिन्होंने अपनों को खोया है और जो लोग लगातार अस्पताल के चक्कर काटे हैं। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जो इस वक्त अस्पतालों के चक्कर ना काट रहा हो। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा, कोई ऐसा परिवार होगा जो ऑक्सीजन के सिलेंडर ना ढूंढ रहा हो। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो दवाइयां ना ढूंढ रहा हो। मगर उन लोगों का क्या किया जाए जो घर में सिलेंडर जमा करके रखे हुए हैं? उन लोगों का क्या किया जाए जो इंजेक्शन घर में जमा कर रहे हैं? ये जमाखोरी, कालाबाजारी नहीं तो और क्या है? मैं तमाम लोगों से अपील करना चाहता हूं कि अगर सिलेंडर आपके पास है, आपके घर में है, तो उनको सरेंडर कीजिए। अगर आपके घर में जमाखोरी वाली दवाइयां हैं तो उनको वापस एक दूसरे को दीजिए। इस वक्त नाजुक वक्त से हम गुजर रहे हैं। सिलेंडर घर में जमा करने की चीज नहीं है, दवाइयां घर में रखने की ज्यादा चीज नहीं है। ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें, घर में जमाखोरी ना करें। मैं आप सबसे अपील करता हूं राष्ट्रवाद के जरिए, अगर आपने अपने घर में सिलेंडर रखे हैं तो प्लीज उनको सरेंडर कीजिए। अगर आपने घर में ज्यादा इंजेक्शन रखे हैं तो प्लीज आप उनकी मदद कीजिए, आस पड़ोसियों की मदद कीजिए, क्योंकि इस वक्त देश मुश्किल हालात से गुजर रहा है और हम सबको देश के साथ खड़ा होना है, राष्ट्रधर्म निभाना है। यही इंसानियत का तकाजा है, ताकि हमारा देश और हम सब इस मुश्किल वक्त से निकल जाए। ऑक्सीजन नहीं मिल रही है और लेवल डाउन आता चला जा रहा है। सबसे कहां का धक्के खा के आगे पूरी दिल्ली में ये कह रहे घर पे रखो जगह नहीं। अब जिस दिया ले रहा है, ना तुमको भी तो ले रहा है, ना हम से ले रहा है, बच्चे के हम दिखाएंगे कहां। कोई हॉस्पिटल भी लेने को रेडी नहीं है क्योंकि किसी के पास बेड नहीं है। हिंदुस्तान जो देख रहा है, हिंदुस्तान जो सुन रहा है, हिंदुस्तान जो भुगत रहा है, वो भगवान न करे किसी और को भी देखना, सुनना और भुगतना पड़े। हस्ती खेलती जिंदगियां, कोरोना की पहली लहर को मात देने वाली जिंदगियां, 2021 के उम्मीदों भरे साल को चूमने वाली जिंदगियां, साल के चौथे महीने में ही कतरा कतरा सांसों के लिए तरस रही है। न सांस मिल रही है, न सिस्टम दिख रहा है, दिख रही है तो हर सिमत पत्थर हो गई देह, पत्थर हो गए दिल, पत्थर हो चुके इंसान। तीन दिनों में गाड़ी का पेशेंट बनने घूम रहे, कुछ नहीं दे रहे, ऑक्सीजन के सारे चल रहा, वो भी ये लोग मना कर रहे हैं। सड़कों पे लाशें बिछी पड़ी हैं, भगवान ने करे पर इंडिया में वही मंजर सामने दिखता हुआ नजर आ रहा है। इधर इंसानियत मर चुकी है, ना ही पॉलिटिशियनों में इंसानियत है, ना ही डॉक्टरों में है, ना ही किसी हॉस्पिटल में है। अगर किसी को कमाना है तो वो है पैसा। मैं अपने पापा को लेके घूम रहा हूँ, एक सिंगल हॉस्पिटल नहीं दिल्ली का। मैं तो नाने की करेगी, बच्चा भी कोई नहीं, दोनों मम्मी अभी भी का। अरे ऑक्सीजन के लिए मर गए, वेंटिलेटर पे थी, ऑक्सीजन के लिए मर गए। बुद्ध ने कहा था, इंसान को इंसान बनाती है करुणा, दया, प्रेम और परोपकार की भावना। समाज ने सरकार को चुना, सरकार ने सिस्टम बनाया और सिस्टम ने कहा, सिस्टम भावना से नहीं चलता, तर्क और व्यवहारिकता से चलता है। बहुत दफा बोलने के, आप लोग जाओ यहाँ से, और स्टाफ का सिलेंडर आ रहे हैं, स्टाफ का सिलेंडर सबसे आगे रखा हुआ है, मेंबर सबसे आगे जो स्टाफ का सिलेंडर रखा हुआ है इन्होंने। ऑक्सीजन की कमी है तो ऑक्सीजन मंगाई जाएगी, बेड्स की जरूरत है तो बेड्स बनाए जाएंगे, वेंटिलेटर की कमी है तो वो और आएंगे, दवाइयां तो पूछिए मत, भरपूर है।
लेकिन जहर से कड़वा और मारक सच ये है कि बीमार इंसान से अभी ये सब बहुत दूर है। मैडम, मैं रात के 10:30 बजे का यहाँ पे खड़ा हूँ। जब हमारी जैसे एम्बुलेंस वाले एक सिलेंडर को इस्तेमाल करना चला रहा है और जिनके पास 6, 8, 10, 10 जो लेके आ रहे हैं वो कहाँ यूज कर रहे हैं, एक बार उसको पता करना चाहिए। 4 घंटे हो गए कालाबाजारी हो रही है, यहाँ सिलेंडर मिल ही नहीं रहा है। गवर्नमेंट कह रही है ऑक्सीजन बहुत है, पब्लिक मर रही है, फैमिली के लोग मर रहे हैं। कल ऑक्सीजन नहीं मिला था मेरी खुद वो बहुत छोटी वाली खत्म हो गई। अच्छा। कल से बॉडी नहीं मिली, अब कह रहे हैं क्या देंगे कब देंगे। तो किसने सोचा था कि ग्लोबल दुनिया में हाईटेक खाब में डूबे इंसान को बूंद बूंद ऑक्सीजन के लिए कतारों में खड़ा होना होगा। किसने कल्पना की थी भला कि चुनाव में मंचों से नेताओं को सुनने वाली भीड़ मरघट में शोक गीत गाएगी। और किसने सोचा था कि हिंदुस्तान में कोरोना की महामारी में दवाइयों और ऑक्सीजन की कालाबाजारी भी सामने आएगी। क्या बता रहे हैं? हाई नहीं कैसे, नहीं पीछे से आई नहीं, कोई भी कोई उधर बोल, कोई कुछ बता के राजी नहीं है, कोई नहीं मिल रहा। वो मालिक से पूछते हैं, मालिक है ही नहीं, मालिक अगर होता भी चुपचाप कहीं से निकल जाता है। ये कहते हैं हम लेबर है, हमें पता नहीं है। ये भी नहीं बता रहे हमें कि इसमें गैस है या नहीं है, और मिलेगी तो कैसे मिलेगी, कुछ बता, कोई बता के राजी नहीं है। भैया क्या दिक्कत आ रही है यहाँ पर? भाई समस्या बहुत ज्यादा है, जहाँ भी जा रहे हैं यही बोर्ड लगा, रिफिलिंग बंद है। गवर्नमेंट कह रही है ऑक्सीजन बहुत है, पब्लिक मर रही है, फैमिली के लोग मर रहे हैं, पानी पीने को नहीं है, ऑक्सीजन लेने को नहीं है। अब ये देखिए पूरा टेम्पो भरा हुआ है, वो छत पे चढ़े हुए पब्लिक नहीं खड़ी है। ये भी चाहे जो है हॉस्पिटल वालों को केवल गैस मिल रही है और किसी को नहीं मिल रही। मैं 36 घंटे से यहाँ चक्कर लगाया जा रहा हूँ, कंटिन्यू लगाया जा रहा हूँ, यहाँ कोई नहीं है। ये देखो मुझे परसों रात को समय दिया कि 12 बजे आ जाना, परसों रात को 12 बजे बैठ के 3 बजे गया, कल दिन में मुझे बोला 12 बजे आ जाना, 12 बजे गाड़ी चली गई। अब मैं सुबह से देखो सिलेंडर लेके खड़ा हूँ, अभी मुझे कहा ये सिलेंडर नहीं जाएंगे, ये नहीं जाएंगे, और हॉस्पिटल वालों के लिए फुल ऑक्सीजन है, उनको बुला के 20-20 सिलेंडर दिए जा रहे हैं। व्यवस्थाएं हैं नहीं बनाई जा रही हैं, व्यवस्थाएं कब बनेंगी पता नहीं, लेकिन इस बीच अफरा तफरी ने लोगों को डरा दिया है, बेचैन कर दिया है। नतीजा ये है कि ऑक्सीजन सिलेंडरों की जमाखोरी बढ़ रही है, जरूरत न होने पर भी लोग सिलेंडर जमा कर रहे हैं, कोरोना दवाइयों की भी जमकर राशनिंग हो रही है। जाहिर है इसे देखने की भी जरूरत है। इस कठिन वक्त में सबसे जरूरी है इंसान होने का धर्म, यही राष्ट्रहित है, राष्ट्र धर्म है। राष्ट्रवाद अपील करता है आपसे कि कोरोना के साथ कालाबाजारी को मारो, जमाखोरी के वायरस से बचो, इंसानों को बचाओ, जरूरत नहीं हो तो ऑक्सीजन सिलेंडर सरेंडर करो। ये वक्त गहरी संवेदनशीलता का है, सांसें दांव पर लगी हैं, सांसें खरीदी और बेची जा रही हैं, तो दूसरी तरफ दवाओं की दुकानों के सामने लंबी कतारें हैं। किसी सिस्टम के न होने से डरे लोग जमकर दवाओं की खरीदारी कर रहे हैं। सामान्य एंटीबायोटिक, बुखार, खांसी जैसी दवाएं गायब हो रही हैं, ऑक्सीमीटर थर्मामीटर तक का मिलना मुश्किल हो रहा है। और लोग ये भी शिकायत कर रहे हैं कि ऑक्सीमीटर मिलने में प्रॉब्लम हो रही है, और जो है नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा है, टाइम लग रहा है ऑक्सीमीटर मिलने में, लोग आ रहे हैं लगातार ऑक्सीमीटर की डिमांड के लिए, भीड़ हो जाती है तो वेट करते, फिर घूमते नहीं मिलती है, फिर जैसी माल आता तुरंत खत्म हो जाता है, फिर विटामिन सी जो नॉर्मल चल रही है अभी। इस बात को हमें बखूबी समझना होगा कि कालाबाजारी या दवाओं की जमाखोरी से हालात बदलेंगे नहीं, बल्कि और बदतर होंगे। जिन लोगों को कोरोना के मामूली लक्षण हैं और जो घर में ही ठीक हो सकते हैं, दवाओं की कमी उनके लिए घातक साबित हो सकती है। इसमें कोई दो राय नहीं कि मुद्दा पहले खुद के और अपने परिवार को सुरक्षित रखने का है, लेकिन कहीं ऐसा न हो कि ऑक्सीजन और दवाओं की जमाखोरी किसी से उसकी जिंदगी छीनने की वजह बन जाए। इसलिए राष्ट्रवाद अपील कर रहा है आपसे, इंसान धर्म का पालन करें, दवाएं उतनी ही रखें जितनी जरूरी हो, और अगर ऑक्सीजन सिलेंडर बेवजह है तो उसे सरेंडर करें। ब्यूरो रिपोर्ट, जी न्यूज। मैं देश के हुक्मरानों से राष्ट्रवाद के जरिए पूछना चाहता हूं, आखिर कोरोना काल में कब तक ऑक्सीजन की किल्लत रहेगी?
कब तक लोग इसी तरीके से अस्पतालों के चक्कर काटते रहेंगे, कब तक लोग ऑक्सीजन के लिए लंबी लंबी लाइनें लगाते रहेंगी। मैं देश के तमाम हुक्मरानों से यह भी पूछना चाहता हूं कि इस मुश्किल वक्त में आप क्या कर रहे हैं, इस मुश्किल वक्त में आप अपने इलाके के लिए, आप अपने राज्य के लिए क्या कर रहे हैं, जरा बताइए। जनता जानना चाहती है, जनता समझना चाहती है। सोशल मीडिया का जमाना है, लेकिन आप तमाम नेता अपने अपने घरों में कैद हो गए हैं, अपने इलाके की कोई फिक्र नहीं रह रहा, क्योंकि जब वोट का वक्त आएगा तो आप इन्हीं के बीच में जाना है, इन्हीं लोगों का सामना करना है। उससे पहले ये जनता आपको जवाब दे, आप घर से निकलिए और तमाम लोगों के पास जाइए, अस्पतालों के हाल दीजिए और ऑक्सीजन सिलेंडर के नाम पर जो कालाबाजारी कर रहे हैं उनको देखिए और अपने इलाके के सिस्टम को सुधारने के लिए घर से बाहर निकलिए। मैं तमाम नेताओं से अपील करता हूं राष्ट्रवाद के जरिए कि आप अपने इलाकों में जाइए और लोगों की मदद कीजिए, लोगों के हालचाल जानिए। घर में रहकर, घर में कैद रहकर कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि आप जनता के नुमाइंदे हैं और आपको जनता ने चुना है। इसलिए जनता के बीच में जाइए, उनको समझाइए, उनका हौसला अफजाई कीजिए, उनकी मदद कीजिए, क्योंकि आने वाले वक्त में आपको फिर इन जनता के पास ही जाना पड़ेगा। प्राणवायु की हाहाकारी किल्लत क्यों, जब देश में जरूरत से ज्यादा है उत्पादन? 40 ऑक्सीजन आ रहा है, मैं कौन जिम्मेवार होगा, ये लोग जिम्मेवार होंगे क्या? कौन जिम्मेवार होगा? सिलेंडर लाऊं, मैं 8 घंटे से वेट कर रहा हूँ, 8.5 घंटे हो गए, सब जगह बंद है। मैम बस बताते हैं, फोन करते हैं, आते तो फोन नहीं उठा रहे। सरकारी दावों और जमीनी हकीकत में खेल, सांसों पर संकट का असली जिम्मेदार कौन? ऑक्सीजन की क्राइसिस दिल्ली के अंदर है, यूपी के अंदर ना के बराबर है। छह साल छोड़िए, पिछले एक साल में क्या किया उन्होंने दिल्ली की जनता के लिए? आज लोग मर रहे हैं, इनमें इतनी भी हिम्मत नहीं है बाहर आके ये बोलें कि मुझसे गलती हो गई, दिल्ली की जनता से माफी मांगे केजरीवाल जी। देश की राजधानी दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी से मौतों की तस्वीर किसी को भी डरा सकती है। किसी के भी दिल में ये ख्याल आना बेमानी नहीं है कि जब दिल्ली का हाल ऐसा है तो देश के दूर दराज के हिस्सों में क्या हालत हो। ऑक्सीजन की किल्लत ने सर्व सुविधा युक्त दिल्ली और औसत स्वास्थ्य सुविधाओं वाले झारखंड के चौबू जैसे छोटे जगहों का फर्क मिटा दिया है। ऑक्सीजन जैसी बेहद सामान्य मेडिकल सुविधा की किल्लत कोरोना काल में बड़ी आबादी के लिए जानलेवा बन गई। ये ख्याल हर उस शख्स को चौंकाता है जिसे मालूम है कि कोरोना काल में भी हिंदुस्तान अपनी जरूरत से 10% ज्यादा ऑक्सीजन बना रहा है। जी हाँ, सच यही है। कोरोना के इस तांडव काल में हिंदुस्तान में रोजाना 7,200 मीट्रिक टन मेडिकल ऑक्सीजन बन रहा है, जबकि देश भर में ऑक्सीजन की मांग को जोड़ ले तो वो 5100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन से ज्यादा नहीं है। यानी देश में अब भी रोज 1100 मीट्रिक टन ऑक्सीजन ज्यादा बन रही है। सवाल ये है कि फिर ऑक्सीजन की किल्लत से जाने क्यों जा रही है? ऑक्सीजन की किल्लत के पीछे क्या कोई बड़ा खेला है? ऑक्सीजन पर विपक्षी हल्ला क्या जनता को उकसावा है? ऑक्सीजन की डिमांड और सप्लाई में जानलेवा फर्क क्यों है? किन मुश्किलों की वजह से यह जानलेवा फर्क बना हुआ है? इन सवालों के जवाब जानना हम सबके लिए इसलिए बेहद जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी का असली खेल हम तभी समझ पाएंगे, ऑक्सीजन की किल्लत के झूठे डर से उबरकर इसकी जमाखोरी की खतरनाक आदत से तभी हम बाज आएंगे, ऑक्सीजन की किल्लत के नाम पर मची मनमानी लूट को खत्म करा पाएंगे। हमारे डर को भुलाने में जुटे ऑक्सीजन के असुरों का गोरख धंधा बंद करा पाएंगे। ये सच है कि प्राइवेट अस्पतालों से अब भी ऑक्सीजन के खात्मे से जान जाने की खबरें आ रही हैं। सवाल ये है कि ऑक्सीजन का कोटा अगर तय है तो उसके स्टॉक की जानकारी ओपन पब्लिक प्लेटफॉर्म पर क्यों नहीं, ताकि इससे ऑक्सीजन के लिए सिस्टम के जिम्मेदारों पर दबाव बना रहे। ऑक्सीजन के नाम पर झूठ और आरोपों की राजनीति पर लगाम लगेगी, जनता के बीच भ्रमजाल फैलाने का खतरनाक खेला रुकेगा।
15 तारीख को तो केजरीवाल साहब कह रहे थे कि दिल्ली में ऑक्सीजन की कमी नहीं है, वो टीवी चैनल पे उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन की कमी नहीं है, और 3 दिन बाद वो पलट गए इस बात को। असल में तैयारी नहीं है, और मुझे कई बार शक होता है कि वो आईएलएस रहे हैं, और वो किस प्रकार से आईएलएस रहे हैं जिनको एडमिनिस्ट्रेशन की जानकारी नहीं है। अगर आपको ऑक्सीजन चाहिए तो आपको टैंकर चाहिए, टैंकर के लिए आपको प्रबंध करना पड़ेगा। तैयारी में कहने की कमी और हवाबाजी ज्यादा करते हैं। परेशानी इसलिए हो रही है कि टैंकरों की बहुत कमी है, चारों तरफ टैंकरों की कमी है। ऑक्सीजन तो फिर भी इधर उधर मिल जाती है, लेकिन टैंकरों की बहुत कमी है। तो दिल्ली सरकार ने बैंकॉक से 18 टैंकर इंपोर्ट करने का निर्णय लिया है। केंद्र सरकार से हमने इसके लिए एयरफोर्स के प्लेन्स देने के लिए रिक्वेस्ट किया, उनका काफ़ी सकारात्मक रवैया रहा है। दूसरी कि फ्रांस से हम लोग 21 ऑक्सीजन के प्लांट इंपोर्ट कर रहे हैं, रेडी टू यूज़ प्लांट्स हैं ये। और पिछले 4-5 दिन में मैंने देश के कई उद्योगपतियों को चिट्ठी लिखी थी, मदद मांगी थी, देश की सभी मुख्यमंत्रियों को मैंने चिट्ठी लिखी थी, उनसे मदद मांगी थी, और हमें बहुत ज़बरदस्त सहयोग मिल रहा है। जहाँ जहाँ उन ऑक्सीजन बेचने वाली कंपनियों के कॉन्ट्रैक्ट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं, उनको इन्होंने खराब कर दिया है। तो ये जो नेता होता है वो लोगों की जान के लिए जिम्मेवार होता है, ना कि उनकी मौत के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार जो है लोगों की मौत के लिए जिम्मेवार हो रही है। तो हर गलती के लिए जिम्मेवार होते हुए ये इस तरीके की बिहावा राजनीति कर रहे हैं कि तेरे इतने मेरे इतने, मगर जो कुछ अब तक करना चाहिए था वो इन्होंने नहीं किया। सवाल तो ये भी है कि संकट के काल में वो चेहरे कहाँ हैं जिन्हें आपने अपने वोटों के जरिए संसद से विधानसभाओं तक में भेजा। आपको समझना होगा कि आपके जनप्रतिनिधि अपनी जिम्मेदारी वाकई निभाने में जुटे हैं, या फिर उनकी सारी कवायद सिर्फ जुबानी जमा खर्च तक सीमित है। ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन के नाम पर विपक्षी सियासत ये आरोप लगाने में जुटी है कि 600 वाला सिलेंडर 5000 रुपए में मिल रहा है। सवाल यही है कि वोट के लिए तुरंत सड़क पर सियासी ड्रामेबाजी करने के लिए तैयारी राजनीतिक पार्टियां कोरोना काल में अपनी जिम्मेदारियों से ये कहकर नहीं भाग सकती कि 600 का सिलेंडर क्यों 5000 रुपए में बिक रहा है। इसकी कालाबाजारी रोकने के लिए सिस्टम में दबाव बनाने की जिम्मेदारी वो क्यों नहीं निभा रहे हैं, जनता में क्यों भ्रम फैला रहे हैं। आपको बता दें कि अस्पतालों में ऑक्सीजन की किल्लत की असल वजह बढ़ते मरीजों के साथ ऑक्सीजन का सही प्रबंधन नहीं होना भी है। इसकी जिम्मेदारी स्वास्थ्य विभाग से लेकर स्थानीय अधिकारियों की है कि वो इसकी तहकीकात करें। ऑक्सीजन की किल्लत की अगली वजह राज्य सरकारों का इमरजेंसी में ऑक्सीजन बांटने का पुख्ता सिस्टम नहीं होना है, जिसके कारण जरूरतमंद अस्पतालों को वक्त पर ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है। इसका पारदर्शी सिस्टम बनाने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों की। ऑक्सीजन किल्लत की तीसरी बड़ी वजह ऑक्सीजन के क्रायोजेनिक टैंकरों की किल्लत है, जिसके कारण ऑक्सीजन की उपलब्धता के बावजूद इसे जरूरत वाली जगहों पर तुरंत भेजने में दिक्कत हो रही है। इसके लिए खुद प्रधानमंत्री ने मोर्चा संभाल रखा है, राज्य सरकारों से लेकर औद्योगिक घरानों को इस काम पर उन्होंने लगा रखा है। अकेले सेल यानी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बोकारो प्लांट से रोज 600 टन ऑक्सीजन रेलवे के जरिए देश भर में भेजी जा रही है। टाटा स्टील के प्लांट से रोजाना 100 टन ऑक्सीजन जरूरतमंद अस्पतालों को भेजी जा रही है। रिलायंस के जामनगर रिफाइनरी से रोजाना 60 टन ऑक्सीजन अस्पतालों को भेजी जा रही है। इनके अलावा देश भर की छोटी बड़ी कंपनियां अपने स्तर पर इंडस्ट्रियल ऑक्सीजन को मेडिकल ऑक्सीजन बनाकर जरूरतमंद अस्पतालों तक पहुंचाने में जुटी है। ऑक्सीजन की इतनी मात्रा सही समय में जरूरतमंदों तक पहुंच जाए तो अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी से हो रही मौतें रुक जाएंगी। ये काम बिना लाग लपेट के सियासत के जल्द से जल्द हो, इसकी जिम्मेदारी सिस्टम को उठानी होगी। ये अमल में आया तो ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी भी बंद हो जाएगी और जमाखोरी भी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राष्ट्रवाद में रुकूंगा एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब वापस आऊंगा तो आपको बताऊंगा कि आप अपने हक के लिए आवाज उठाइए, लेकिन किसी का हक मत छीनिए। अगर किसी का हक छीनेंगे तो इंसानियत नहीं है। आखिर कैसे? पूरी खबर इस छोटे से ब्रेक के बाद। आप कहीं मत जाइए, बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए देश का सबसे दमदार ब्रेकिंग राष्ट्रवाद। मैं
मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं कि कुछ इलाकों में लगातार कोविड से जुड़ी दवाइयों को लोगों ने अपने घर में स्टॉक कर लिया है, जिसकी वजह से अस्पताल में किल्लत हो रही है, जिसकी वजह से ये दवाइयां अब मेडिकल स्टोर से भी गायब है। आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं लोग? मैं राष्ट्रवाद के जरिए पूरे देश से अपील करना चाहता हूं कि अगर आप ऐसा कोई कदम उठा रहे हैं तो प्लीज हरगिज ना उठाएं, क्योंकि हमारा देश इस वक्त वैसे ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। अगर आप कोविड से जुड़ी जरूरी दवाइयां अपने घर में लाकर रख लेंगे, अपने घर में स्टॉक कर लेंगे, तो सोचिए जो बीमार लोग हैं उनका क्या होगा। क्योंकि बीमार के तामीरदार लगातार अस्पतालों के चक्कर काट रहे हैं, मेडिकल के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनको जरूरी दवाइयां नहीं मिल रही हैं, क्योंकि जरूरी दवाइयां मार्केट से गायब हो गई हैं। और ऐसे में कुछ इलाके तो ऐसे हैं जहां पर कीमत से ज्यादा वो दवाइयां बिक रही हैं। मैं आप लोगों से गुजारिश करता हूं, अपील करता हूं राष्ट्रवाद के जरिए कि आप अपने घर में ना सिलेंडर का स्टॉक कीजिए और ना ही दवाइयों का स्टॉक कीजिए। अगर कर रखा है तो प्लीज जरूरत से ज्यादा जो जरूरतमंद लोग हैं, आप इंसानियत का धर्म निभाते हुए उनको दीजिए। कब से कहां का धक्के खा के आ गया पूरी दिल्ली में, ये कह रहे घर में रखो जगह नहीं। पूरी स्थिति ईश्वर किसी पर अधिकार कोरोना काल में दवाओं की शॉर्टेज, दवाओं की पैनिक खरीदी से बचें। कालाबाजारी जमाखोरी पर नकेल कसे। कई मेडिकल स्टोर में जाने के बाद जो है ऑक्सीमीटर की बहुत ज्यादा शॉर्टेज हो रही है। तो सारे दुकानों पे ये सारी दवाइयां मिल नहीं रही, दो तीन दवाइयां मिल नहीं रही। रिक्वायरमेंट आ रही है दवाइयों की, लेकिन किसी को अवेलेबल नहीं हो। चुनौती हर तरफ बराबर है। कोरोना काल गंभीर रूप से बीमार मरीजों के लिए प्राणवायु यानी ऑक्सीजन कम हो रही है। जिनको सरकार घरों में रहकर इलाज कराने की बात कह रही है, उनको न तो कोई डॉक्टर पूछ रहा है, न सरकारी अस्पतालों के फोन ही मिजाज पुरसी कर रहे हैं। आदमी मर जा रहा है, हॉस्पिटल सही कैसे किया? बोले हमारे पास नहीं ऑक्सीजन नहीं है। और तो और बेसिक दवाओं की किल्लत मामूली तौर पर बीमार लोगों को आखिरकार अस्पतालों की तरफ धकेल दे रही है। देश में करीब करीब हर राज्य की यही कहानी है। दिल्ली कहने को दूर है, लेकिन दिल्ली जैसे हालात हर जगह है। दावों और जमीन की हकीकत एक ऐसी खाई की तरह है जिसे पार पाने से ही जान बच सकती है, लेकिन ये खाई बड़ी है। दिल्ली ही नहीं, देश के ज्यादातर शहरों में ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर, ऑक्सीमीटर, कैल्पोल, मेफ्टोल जैसी दवाएं भी बाजारों से गायब होने लगी, जबकि ब्लैक मार्केट में ये दवाएं खूब मिल रही। अफलातून दाम चुकाइए और दवा ले जाइए। तो सवाल ये है कि दवाओं की कालाबाजारी कैसे हो रही है? जमाखोरी करने वालों पर कार्रवाई कौन करेगा? तो इस वक्त इतनी रिक्वायरमेंट आ रही है एम्बीफ्लू, मतलब काफी रिक्वायरमेंट आ रही है दवाइयों की, लेकिन किसी को अवेलेबल नहीं हो। अस्पतालों में बेड नहीं है, ऑक्सीजन की किल्लत लोगों से सांसें छीन रही है और रही सही कसर दवाओं की कमी ने पूरी कर दी है। मेडिकल स्टोर पर कोरोना की दवाइयों का टोटा है। इतना ही नहीं, दूसरी दवाइयां भी आउट ऑफ स्टॉक चल रही है। ये हाल देश की राजधानी दिल्ली का है, जहां के मेडिकल स्टोर से ये दवाइयां गायब है। तो कितना टाइम हो गया, आप कब से ढूंढ रहे हैं? सर हम सुबह से लगे हुए हैं सर। ये देखिए, आज डॉक्टर ने सुबह हमें बोला कि ये चाहिए, रेमेडी ढूंढते रहे। आज ये उन्होंने ये बता दिया रेमेडीज की, अभी ये लेकर आओ। क्रिटिकल पे क्रिटिकल होती जा रही है पेशेंट की कंडीशन, और क्या करें क्या नहीं करें समझ में नहीं आ रहा। दवाओं की ये किल्लत शहर शहर हो रही है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में भी एंटीबायोटिक्स, बुखार, सर्दी, जुकाम की सामान्य दवाइयों की भी कमी हो रही है।
दरअसल कोरोना के डर से लोगों ने ऐसी दवाइयों की जबरदस्त खरीदी की है। इसका नतीजा ये है कि हल्के लक्षणों वाले मरीजों के लिए भी दवाओं की कमी बेहद खतरनाक साबित हो रही है। तो इस वक्त इतनी रिक्वायरमेंट आ रही है एम्बीफ्लू, मतलब काफी रिक्वायरमेंट आ रही है दवाइयों की, लेकिन किसी को अवेलेबल नहीं हो पा रहा है। सैनिटाइजर की बात करें वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हम अगर ऑक्सीमीटर की बात करें तो वो उपलब्ध नहीं हो पा रहा है। हो भी पा रहा है तो वो बिना वारंटी के हमको जो कल की रेट में हमको 500 600 700 रुपए में मिल जाते थे, आज की रेट में हमको वो 1400 रुपए के ऑफर हो रहे हैं। उसके ऊपर फिर हमने अपना मार्जिन जोड़ के आगे उसको देना है। और जब हम उनसे वारंटी की बात पूछ रहे हैं तो वारंटी भी उसमें कुछ नहीं। दवाओं में जैसे आप देखेंगे फेविपिराविर वगैरह जो सॉल्ट के आते हैं, फेविफ्लू वगैरह 400 वगैरह जो भी एंटीबायोटिक आती है, वो भी अभी इस समय उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। इंजेक्शन वगैरह भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। बड़ी शॉर्टेज है, लोग बहुत परेशान हैं। बल्कि दिल्ली से ही जिनके रिश्तेदार यहाँ पर रहते हैं तो वो हमारे पास आए कि अगर फेविपिराविर सॉल्ट वगैरह आपके पास यहाँ पर है तो हमको दे दीजिए, हमको दिल्ली भिजवाना है। थर्मामीटर भी उपलब्ध नहीं हो पा रहे हैं। एंटीबायोटिक बुखार की दवाओं की बेतहाशा खरीदी की जा रही है। दवा की कालाबाजारी की वजह से मुश्किलें और बढ़ रही हैं। दवाओं की किल्लत से हल्के लक्षणों वाले मरीजों के सामने संकट बड़ा हो रहा है। और इसलिए राष्ट्रवाद आपसे गुजारिश कर रहा है कि दवाओं के ज्यादा स्टॉकिंग से बचें। कहीं ऐसा न हो कि दवाओं का जरूरत से ज्यादा स्टोरेज कई सामान्य तौर पर कोरोना से पीड़ित लोगों की जान जोखिम में डाल। यकीनन हालात कठिन हैं, पर इतने भी मुश्किल नहीं। वही सिस्टम की भूमिका भी बड़ी है जो अभी तक सन्नाटे में खड़ा दिख रहा है। जैसे दवाइयों की कालाबाजारी जमाखोरी का मुद्दा उसके लिए कोई मुद्दा ही नहीं। रेमडेसिविर मिल रहा है आपको? नहीं मिल रहा है अभी। कई लोग तो इसमें ऐसे हैं जो 3 दिन से यहाँ खड़े हुए वेट कर रहे हैं और यहीं सो रहे हैं, उनको भी नहीं मिल पा रहा है। और यहाँ की जगह कहीं और दूसरी जगह भी हमने ट्राई किया, वहाँ भी सेम सिचुएशन है। अब जैसे यहाँ लिखा हुआ आउट ऑफ स्टॉक, तो वहाँ भी आउट ऑफ स्टॉक उन्होंने बोर्ड पे मेंशन किया हुआ है। भी नहीं बता रहे हैं, वो बस ये कह रहे हैं कि बस आ जाएंगे, लिख के भी नहीं दे रहे कि हमारे पास इंजेक्शन नहीं है, वो भी नहीं बता रहे। ये असली मुद्दा भरोसे का है। दवाओं की पैनिक खरीदारी इसलिए होती है क्योंकि लोगों का भरोसा निगाह है। महामारी से उपजी निराशा और कमजोर तैयारियों ने हर एक हिंदुस्तानी को भीतर तक झकझोरा है। कोरोना की दूसरी लहर ने बड़ा आघात किया है, लेकिन संभले रहना जरूरी है। सिस्टम का बनना और चलना जरूरी है, तभी कालाबाजारी रुकेगी, भरोसा बनेगा और हर हिंदुस्तानी राष्ट्र हित में मानव धर्म राष्ट्र धर्म को जिंदाबाद कहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट जी मीडिया। मैं सरफराज सैफी इंसानियत की ऐसी तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिसे देखकर हम सबको शर्म आ जाएगी, और खासतौर से उस इंसान को जो लगातार इस वक्त में कालाबाजारी कर रहा है, जो इस वक्त में अपने घरों में अस्पतालों की दवाइयां इकट्ठी कर रहा है और दूसरों का हक मार रहा है। मैं एक ऐसे शख्स की एक तस्वीर दिखाना चाहता हूं जिसे देखकर सुनकर हम सबके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हम सब मायूस हो जाएंगे और सोचेंगे कि काश ऐसा हर शख्स इस देश में हो, हर कहीं हो, आपके आसपास हो। मैं सरफराज सैफी आपको बताना चाहता हूं, मैंने खबर पढ़ी जिसे देखकर मैं दंग रह गया। नागपुर के भाऊ, जिनकी उम्र 80 साल की थी, उन्होंने अपना बेड लेने से इनकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं अपनी जिंदगी जी चुका हूं, किसी नौजवान को बेड की जरूरत है, उसको बेड दे दीजिए। सोचिए, 80 साल के भाऊ ने वो बेड नहीं लिया और उनकी 3 दिन बाद मौत हो गई। सोचिए कि उनके परिवार वालों पर क्या गुजर रही होगी, और सोचिए कि जिसके लिए उन्होंने बेड दिया वो अपनी जिंदगी को बचा रहा है। ऐसी तस्वीरें हम सबको हौसला देती हैं, ऐसी तस्वीरें हम सबको हिम्मत देती हैं, लेकिन ऐसी तस्वीरें उन लोगों के मुंह पर तमाचा मारती हैं जो जमाखोरी करते हैं दवाइयों के नाम पर, जो कालाबाजारी करते हैं ऑक्सीजन के नाम पर, जो दलाली करते हैं बेड के नाम पर। शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। ऑक्सीजन तो दे दो, आने वाला टाइम बहुत ही खतरनाक आ रहा है, प्रशासन की उम्मीद ना रखें। मुझे सिर्फ ऑक्सीजन चाहिए मेरे पेशेंट के लिए। सांसों पर संकट के बीच सिस्टम की चोर गलियां, दवाओं की कालाबाजारी रोकने की जिम्मेदारी किसकी,
ये अनदेखी है, लापरवाही है या शातिर खेला। मुश्किलों को मात देंगे, अपनी जिम्मेदारी निभाएं। कोरोना के संकट में संयम खोए तो मुश्किल है, संकट का समाधान ढूंढें। फौरी भावुकता के उफान में दूसरों की जान का संकट न बढ़े। कोरोना के इस तांडव काल में यह हम सब की जिम्मेदारी भी है और राष्ट्र धर्म भी है। ये मत भूलिए कि अस्पतालों में जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहा हर एक शख्स किसी न किसी का अपना है। उसकी सांसों को सहेजने का जतन इंसानियत की यह जिम्मेदारी भी निभाइए। दूसरों की जिंदगी दांव पर लगाकर चोर रास्ते से सुविधाएं जुटाने की कोशिश की जगह अपने हक के लिए आवाज उठाइए। यह अपील इसलिए जरूरी है क्योंकि ऑक्सीजन से लेकर बेड और जीवन रक्षक दवाओं की कालाबाजारी का खेला शुरू करने में कहीं न कहीं हमारी जिम्मेदारी भी है। बोकारो में रहने वाले टीचर देवेंद्र ने नोएडा में रहने वाले अपने दोस्त को बचाने के लिए 1400 किलोमीटर दूर से ऑक्सीजन पहुंचाया। नागपुर में 85 साल के बुजुर्ग ने स्वेच्छा से अस्पताल का बेड एक नौजवान मरीज के लिए खाली कर दुनिया के सामने मिसाल पेश कर। नारायण दाभाड़कर नाम के वो बुजुर्ग कोरोना पीड़ित होने के बावजूद अस्पताल से घर लौट आए। उनकी सांसें 3 दिन बाद थम गईं, लेकिन उन्होंने जो किया वो उन्हें हमेशा के लिए अमर कर गया, समाज को प्रेरणा दे गया। कोरोना पीड़ित नारायण दाभाड़कर ने जिन शब्दों के साथ अस्पताल का बेड छोड़ा था वो थे, मैंने अपनी जिंदगी जी ली है, मेरी उम्र 85 साल है, इस महिला का पति युवा है, उसे बेड दे दिया जाए। नारायण दाभाड़कर के बलिदान को राष्ट्रवाद नमन करता है। ये बलिदान हमें प्रेरणा देता है कि दूसरों की जिंदगी को दांव पर लगाकर अपना हक हासिल करना इंसानियत नहीं। कोरोना के इस संकट काल में जीवन रक्षक दवाओं से लेकर अस्पताल के बेड और ऑक्सीजन तक की कालाबाजारी तेज है। ये हालात इसलिए गहराते जा रहे हैं क्योंकि सिस्टम की नाकामी भी सामने है और इस नाकामी का फायदा उठाने का चोर रास्ता कालाबाजारी करने वाले गैंग को हमारे डर ने, हमारे स्वार्थ ने दिखाया है। 3000 का इंजेक्शन चोर रास्ते से 30,000 में खरीदना कितनी समझदारी है जब इंजेक्शन के सही होने तक की गारंटी नहीं है। मामी को कल मैंने हॉस्पिटलाइज करवाया है दिल्ली में हार्ट लंग इंस्टीट्यूट में, उन्होंने मेरे को लिख के दे दिया रेमडेसिविर लेके आइए आप, और मैं दिल्ली में कम से कम 7-8 जगह घूम चुका हूँ पर काफ़ी सारी जगहों पर कहीं कहीं ये अवेलेबल नहीं मिल रही है। दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ से लेकर रेमडेसिविर के कई धोखेबाज कालाबाजारी पकड़े जा चुके हैं। हैरानी की बात यह है कि इस गिरोह में डॉक्टर, नर्स, वार्ड बॉय शामिल थे जिन पर जान बचाने की जिम्मेदारी थी। मौका पाकर वो जान का सौदा कर लिया। रेमडेसिविर की खाली बोतल में डिस्टिल वाटर या पैरासिटामोल का घोल भरकर बेचने लगे। ये हालात इसलिए भी बने हैं कि तय व्यवस्था से अपना हक मांगने की जगह हमने चोर रास्ते को चुनना बेहतर समझा। यह हाल तब है जब बड़े बड़े डॉक्टर सामने आकर कह चुके हैं कि रेमडेसिविर डॉक्टरी सलाह पर ही इस्तेमाल करें, यह जीवन रक्षक दवा नहीं है। इसके बावजूद दवा की जमाखोरी बढ़ती जा रही है। दिल्ली में लगातार बढ़ते कोरोना मामलों के साथ बाजारों में दवाइयों की किल्लत जारी है। छोटे अस्पतालों में रेमडेसिविर जैसे इंजेक्शन की किल्लत है। अस्पताल मरीजों के परिजनों को इंजेक्शन खरीदने के लिए कह रहे हैं। कालाबाजारी को रोकने के लिए सरकार ने आम जनता में बिकने वाले रेमडेसिविर इंजेक्शन की संख्या तय कर दी। एक बार में 50 से ज्यादा लोगों को रेमडेसिविर इंजेक्शन नहीं बेचा जाए। जाहिर है ये तस्वीर बदलनी है, तय सिस्टम पर यकीन करना होगा। फर्जी डर की जगह रेमडेसिविर को जरूरतमंदों तक पहुंचने देना होगा जिन्हें सही मायने में इसकी जरूरत है। ये सिस्टम बने इसके लिए हमें सरकार, राज्य सरकार और अपने जनप्रतिनिधियों से भी खुलकर ये कहना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी। तो ये था आज का राष्ट्रवाद, कल फिर होगी आपसे मुलाकात, लेकिन जाते जाते आपसे एक अपील करना चाहता हूं। आप अपना ख्याल कीजिए, अपने परिवार वालों का भी ख्याल कीजिए, ज्यादा से ज्यादा कोविड नियमों का पालन कीजिए, क्योंकि जान है तो जहान है। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप बने रहिए जी हिंदुस्तान के साथ। नमस्कार।